नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आज हम नई कविता सीखेंगे। कविता का नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। यहाँ पृथ्वी के यानी धरती के अमर सपूतों को जागने की बात की है। द्वारका प्रसाद महेश्वरी उनके लेखक हैं, इस काव्य के लेखक हैं। उनका परिचय ले लेते हैं। द्वारका प्रसाद महेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 से में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इस काव्य में हमें प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर हमारे ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को भारत का नव निर्माण करने का संदेश यहाँ कवि देते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। इस समय के दौरान हमारा देश को बहुत हानि हुई, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बाद में हमारे देश को सदियों की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सदियों के बाद हमने आज़ादी का नया सवेरा देखा है। तो प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर हमें हमारे ज्ञान का उपयोग करके हमारे भारत देश का नव निर्माण करने की बात हमें इस काव्य में कवि सिखाते हैं। मैं इस काव्य का पठन करती हूँ, आप सुनिए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है ज्योत नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उदर मंडराते हैं, नव युग की नूतन वीणा में नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, तू तन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो इस काव्य में प्रकृति के कई सारे तत्वों की बात यहाँ कवि ने की है। चलो हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योत नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सास नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत चुकी है, अब गुलामी की रात बीत चुकी है और आज़ादी का सवेरा हुआ है, अब तुम भी अज्ञान आलस्य की नींद
से जागो और देश के नवनिर्माण के कार्य में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राण का संचार करना है। आजादी की नई सुबह हो चुकी है, चारों ओर नए विचारों की किरणें फैल रही है, लोगों के मन में नई आशाएं हैं। देश के सपूतों तुम्हें युग युग से मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देना है, उन्हें फिर से खिलाना है। हाँ, कवि कहते हैं कि युग युग से मुरझाए सुमनों में नई नई मुस्कान। यहाँ कवि सुंदर बात करते हैं कि आज़ादी की सुबह आ चुकी है और चारों ओर नए विचारें हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं, लोगों के मन में नई आशाएं हैं। देश के सपूतों तुम्हें युग युग से मुरझाए फूलों को फिर से खिलना सिखाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, नया पुनः नया निर्माण करो। भारत देश का पुनः निर्माण करना है, तो अब सब जाग जाओ। आगे की कविता हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।